नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं गीति लेकर हाजिर हूं 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए लापरवाही से बचे पीएम मोदी ने जताई गंभीर चिंता। विस्फोट की धमकी के बाद इंदौर पुलिस की वेबसाइट को भी किया था हैक, रेड अलर्ट जारी। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई न्यायिक सेवा के उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका, दलीलों पर जताई नाराजगी। जुलाई के अंत तक राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन शुरू होने की संभावना, पूर्वी सीमा क्षेत्र की करेगी निगरानी। कावड़ यात्रा के लिए जरूरी होगी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट, सीएम योगी ने निर्णय लेने के दिए निर्देश। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले यूपी के 10 खिलाड़ियों को मिलेंगे 10-10 लाख, पदक जीतने पर होंगे करोड़पति। आजम खां को अस्पताल से सीतापुर जेल शिफ्ट करने पर पत्नी तंजीन फातिमा खफा, कहा जुल्म की इंतहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा राज में बड़ा दलित वंचित पर कमजोर वर्ग पर अत्याचार। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी पर सियासत से आहत पूर्व डीजीपी, बोले पुलिस पर भरोसा नहीं तो सुरक्षा वापस कर दे नेता। ২০১২ में चीन से भागे शख्स को अमेरिका ने दी नागरिकता, प्रताड़ना के बाद छोड़ा था देश। बीजिंग में रिकॉर्ड बारिश ने मचाई तबाही, खेल एकेडमिक समेत सभी तरह की गतिविधियों पर रोक। भारत समर्थक देवबा ने संभाली नेपाल की 5वीं बार कमान, 30 दिन के अंदर संसद में साबित करना होगा विश्वास मत। अफगान मसले पर जयशंकर व अतमार में हुई अहम वार्ता, ताकतवर हो रहे तालिबान से भारत की चिंता बढ़ी। अमेरिकी डॉक्टर निकला हैती के राष्ट्रपति की हत्या का मास्टरमाइंड, पूछताछ में सामने आई महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार किया क्वालिफाई, रानी की कप्तानी में मेडल की दावेदार है भारतीय टीम, 1980 में पहली बार खेला था ओलंपिक। पाकिस्तानी कप्तान बाबर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बाबर आजम ने सबसे तेज 14 वनडे शतक जमाकर हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा, एशिया में कोहली को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल से की बातचीत, पीवी सिंधु, मोदी ओलंपिक में मेडल जीत कर लौटिए फिर साथ आइसक्रीम खाएंगे, बॉस्कर आशीष की सचिन तेंदुलकर से की तुलना। खेलगांव में एथलीट के लिए वाटर साइड पार्क बनाया गया, मुस्लिम खिलाड़ियों के लिए स्पेशल मस्जिद की व्यवस्था। यूईएफए ने यूरो कप 2020 के बेस्ट प्लेइंग 11 की घोषणा की, टॉप स्कोरर रोनाल्डो और हैरी केन को नहीं मिली जगह, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डोनोरुमा समेत इटली के 5 फुटबॉलर्स शामिल। रोराई पोट्रू के हिंदी रीमेक के लिए अक्षय, अजय, ऋतिक और जॉन पर विचार कर रहे मेकर्स, शूटआउट 3 में लीड रोल में नजर आएंगे आदित्य राय कपूर। पवित्र रिश्ता सीजन 2 नए शो में सुशांत सिंह राजपूत की जगह शहीर शेख लीड एक्टर होंगे, लीड एक्ट्रेस के लिए अंकिता लोखंडे ही एकता की पसंद। यामी गौतम ने अपनी नई फिल्म लॉस्ट का किया ऐलान, फिल्म में यामी के अलावा पंकज कपूर और राहुल खन्ना भी लीड रोल में आएंगे नजर। एक्टर अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड की शूटिंग की शुरू, इस फिल्म में अजय देवगन के साथ हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत भी आएंगी नजर।
नेहा के हुए 60 मिलियन फॉलोअर्स, दीपिका को छोड़ा पीछे, पहले नंबर पर है प्रियंका चोपड़ा। पांच 25 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।